आज हमारी दुनिया में टेक्नोलॉजी में रोज एक नई डेवलपमेंट हो रही है और उन्हीं डेवलपमेंट्स में से एक है एआई, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एआई का इस्तेमाल आज इंफॉर्मेशन को कलेक्ट और प्रोसेस करने में हो रहा है और ये इस्तेमाल अब काफी बढ़ता जा रहा है, इवन इन द लीगल फील्ड। लेकिन क्या एआई पर हमेशा और कम्प्लीटली रिलाई किया जा सकता है? वह इस सवाल का जवाब आपको शायद एक केस से मिल जाए। हुआ ऐसा कि यूएसए के एक लॉयर ने चैट जीपीटी जनरेटेड कोर्ट फाइलिंग प्रिपेयर की। इस कोर्ट फाइलिंग में कई केसेस मेंशन थे जो पिटीशनर के क्लेम को सपोर्ट करते थे, बट इंटरेस्टिंगली ये सारे केस फिक्टिशियस यानी मनगढ़ंत थे। इस तरह की कोर्ट फाइलिंग के लिए लॉयर को $5,000 का फाइन देना पड़ा। साथ ही कोर्ट ने ये भी कहा कि एआई प्लेटफॉर्म्स जैसे कि चैट जीपीटी कई बार हेलुसिनेट कर सकते हैं। अब इससे ये तो क्लियर हो जाता है कि एआई जो कि ह्यूमन इंटेलिजेंस को कॉपी करने के लिए बना है, अभी तक इतना एडवांस नहीं हुआ है कि उस पर ह्यूमन माइंड से ज्यादा भरोसा किया जा सके। चैट जीपीटी तो लीगल बारीकियों को समझने में फेल पाया गया है, पर इसी साल सिर्फ लीगल इश्यूज से डील करने के लिए एक एआई जिसका नाम है डू नॉट पे चर्चा में था। ये दुनिया का पहला रोबोट लॉयर है, पर अभी नवंबर में ही इस रोबोट लॉयर को केस ना लड़ने दिया जाए ये मांग की गई, और वो इसलिए कि डू नॉट पे लीगल डेटा कलेक्ट और जनरेट तो करता है पर ये अपनी लीगल सर्विसेज बिना लाइसेंस टू प्रैक्टिस के करता है। साथ ही इस रोबोट लॉयर पर पुअर सर्विसेज डिलीवर करने के लिए भी एक केस चल रहा है। एआई का इस्तेमाल सिर्फ थिंकिंग के लिए नहीं बल्कि फिजिकल सर्विसेज के लिए भी पॉपुलर है। अब हम एआई वैक्यूम क्लीनर्स और कई प्रोडक्ट्स जो हमारी डेली लाइफ में हेल्प करते हैं यूज तो करते ही हैं। साथ ही इंडस्ट्रीज में भी रोबोट्स का यूज अब काफी कॉमन हो गया है, लेकिन अभी भी कई बार एआई के कारण बड़े नुकसान देखे जाते हैं। रिसेंटली साउथ कोरिया में एक रोबोटिक आर्म ने एक आदमी का फेस और चेस्ट को क्रश कर दिया। यह आदमी रोबोट का इंस्पेक्शन करने के लिए आया था, बट खराब सेंसर होने की वजह से रोबोट ने आदमी को वेजिटेबल्स का डिब्बा समझकर क्रश कर दिया। इसके अलावा एक और इशू जो हाल ही में एआई के यूज करने से सामने आया, जसवंत सिंह चहल जो कि एक इंडियन सिख है, उसने विंसर कासल जो कि यूके की क्वीन का रेजिडेंस है उसकी दीवारों पर चढ़ते हुए पकड़ा गया। चहल का कहना है कि वो क्वीन को मारने के लिए ऐसा कर रहा था ताकि 1919 में हुए जलियांवाला बाग मैसेकर का बदला लिया जा सके। चहल का कहना है कि उसकी एक एआई बेस्ड गर्लफ्रेंड थी जिससे उसने अपने प्लान को शेयर किया था, और इसी चैटबॉट गर्लफ्रेंड जिसका नाम सराई था उसने चहल को क्वीन का मर्डर करने के लिए अबेट किया था। कैसे? वेल, एक चैटबॉट एक्सचेंज में सराई ने क्वीन के मर्डर की आइडिया को दैट्स वेरी वाइज आई नो यू आर वेरी वेल ट्रेन कहकर सपोर्ट किया था। चहल का कहना है कि इसी के चलते उसने ऐसा स्टेप लिया। आज एआई सिर्फ लोगों की गर्लफ्रेंड नहीं बल्कि कंट्री की सिटीजन भी बन रही है। यू माइट रिमेम्बर सोफिया जिसे 2017 में सऊदी अरेबिया की सिटीजनशिप दी गई। विच ब्रिंग्स मी टू द क्वेश्चन, क्या ये रोबोट ह्यूमन राइट्स के साथ ह्यूमन ड्यूटीज भी शेयर करती है? रोबोट्स के साथ साथ एक ह्यूमन अटर्नी मैथ्यू बटरिक का नाम भी आजकल काफी चर्चा में है, और वो इसलिए कि बटरिक ने कई एआई कंपनीज के अगेंस्ट लॉसूट फाइल किए हैं। बटरिक का कहना है कि एआई का इस्तेमाल राइटर्स, आर्टिस्ट और कई क्रिएटिव प्रोफेशनल्स को नुकसान पहुंचा रहा है। इन रोबोट्स को ह्यूमंस की स्किल्स सिखाई जा रही है पर इसके लिए ह्यूमंस की कंसेंट नहीं ली जा रही है। कई बार एआई प्लेटफॉर्म्स को आर्टिस्ट ने भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के इंफ्रिंजमेंट के लिए सू किया है। रिसेंटली एक ऑथर ने एक चैटबॉट को सू किया क्योंकि ऑथर की बुक से उस चैटबॉट ने अपनी इंफॉर्मेशन गैदर की थी। इस राइटर का कहना है कि जब एआई बॉट का सोर्स उसकी किताब से है तो इस इंफॉर्मेशन का कॉपीराइट भी राइटर को बिलोंग करना चाहिए। इसके अलावा यूएसए की एक फेडरल जज ने एक एआई क्रिएटेड आर्टवर्क का कॉपीराइट क्लेम रिजेक्ट कर दिया। इस वर्डिक्ट में ये कहा गया कि सिर्फ ह्यूमन ऑथर्स कॉपीराइट के लिए एलिजिबल हैं। अब इस बात में तो कोई दो राय नहीं है कि एआई के आ जाने से आर्टिस्ट के इंटरेस्ट पर एडवर्स इफेक्ट पड़ा है, और धीरे धीरे ये इफेक्ट और भी बढ़ता जा रहा है। आज फोटोज, स्केचेस, पेंटिंग्स सब आर्टिस्ट के हाथ से छीनकर एआई को सौंप दी गई हैं। लेकिन ये जान लेना भी जरूरी है कि एआई चाहे कितना भी हेल्पफुल हो, इसके कुछ सीरियस रिस्क भी हैं। रिसेंटली इंडियन एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना की डीप फेक का केस इन्हीं रिस्क को हाईलाइट करता है। साथ ही इससे प्रिवेसी वायलेशन, बायस रिजल्ट्स और जॉब डिस्प्लेसमेंट का खतरा तो है ही। इन्हीं सब रिस्क से डील करने के लिए यूरोपियन यूनियन फरवरी 2024 तक एआई को रेगुलेट करना चाहता है। इस लॉ से ईयू डेंजरस एआई टेक्नोलॉजीज को बैन करना चाहता है। साथ ही नरेंद्र मोदी ने भी एआई से होने वाली परेशानियों के बारे में रिसेंटली बात की और डीप फेक्स की प्रॉब्लम को हाईलाइट किया। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि एआई का इस्तेमाल सोसाइटी को आगे बढ़ाने के लिए होना चाहिए। जहां हमारे पीएम एआई से होने वाले नुकसानों की बात करते हैं, वहीं इलॉन मस्क का कहना है कि एआई एक ऐसा फ्यूचर बनाएगा
जहां किसी को जॉब की जरूरत नहीं होगी। एआई की लड़ाई सिर्फ एआई और ह्यूमंस के बीच नहीं बल्कि ह्यूमंस और ह्यूमंस के बीच भी हो रही है। आपने सैम ऑल्टमैन जो कि ओपन एआई के सीईओ हैं, उसको फायर और रीहायर करने का किस्सा तो सुना ही होगा। इसका रीजन अभी लोगों को काफी क्लियर नहीं है, बट मे बी देयर वाज अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रिगार्डिंग द रेगुलेशन एंड कंट्रोल ऑफ एआई। अब इतनी सारी बातों के चलते एआई का फ्यूचर क्या होगा, ये सोचने की जिम्मेदारी मैं आपको सौंपती हूँ। आपका एआई के यूज और मिसयूज के बारे में क्या ख्याल है? डू लेट मी नो इन द कमेंट्स।